शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट अंटीलिया पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने बहुत प्यार दिया और मैंने सोचा क्यों ना पार्ट 3 बनाया जाए और बताया जाए आपको कुछ और मजेदार शॉकिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दुनिया के सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट घर अंटीलिया के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सी बेसिक चीज़ें इस घर के बारे में और कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स बताए हैं। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इधर ऊपर आई पर क्लिक करें। तो पहला फैक्ट यह है कि मुकेश अंबानी का घर अंटीलिया दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट घर है। इस 27 मंजिला इमारत में रहने वाले अब सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन घर इतना बड़ा है कि उसकी मेंटेनेंस के लिए 600 से 700 लोगों का स्टाफ है। अब दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि इतने बड़े घर का बिजली का बिल कितना आता होगा? ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास फैमिली का इलेक्ट्रिसिटी बिल 4-5 हज़ार आता है, जिसमें रहते भी हैं 5 से 7 लोग। लेकिन अंटीलिया में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि जितनी बिजली 7 हज़ार अलग अलग घरों में इस्तेमाल होती है एक महीने में, उतनी बिजली ये घर अकेला चूस लेता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब अंबानी फैमिली इस घर में शिफ्ट हुई थी तो फर्स्ट यानी पहले महीने अराउंड 6,37,240 यूनिट बिजली का इस्तेमाल हुआ था और बिजली का बिल आया था 70 लाख रुपए, जितने में एक ऑडी Q7 आ जाए, जितने में आप एक 4 BHK का फ्लैट ले लें, उतना तो इस घर का पहले महीने का बिजली का बिल आया था। और ये बात है आज से 8-10 साल पहले की। तो इमेजिन करिए, आज जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो इस घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता होगा? मेरे हिसाब से 2-3 करोड़ तो हर महीने आता ही होगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, जब इतना बड़ा और भारी भरकम घर हो तो उसकी सिक्योरिटी भी जरूरी है। और जब घर मुकेश अंबानी का हो, जो कि एशिया के सबसे अमीर इंसान है और इतने बड़े पब्लिक फिगर, तो सिक्योरिटी में कमी कैसे रह सकती है? इस घर के चारों तरफ ऊपर से नीचे तक अल्ट्रा HD वेबकैम्स लगे हुए हैं, जो कि 24/7 360 डिग्री इस घर की निगरानी करते हैं। रात के समय के लिए हाईटेक नाइट विजन कैमरास, इंफ्रारेड लेजर सिस्टम के साथ अलार्मिंग सिस्टम भी है, जो कि तब एक्टिवेट होता है जब कोई अननोन या अनवांटेड ऑब्जेक्ट उन्हें क्रॉस करे। इस घर को चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेरा हुआ है। मुकेश अंबानी 24/7 Z+ सिक्योरिटी सिस्टम के साथ रहते हैं, जिसमें 55 सिक्योरिटी पर्सोनल्स होते हैं एंड एटलीस्ट 10 एलाइट लेवल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो कि खतरनाक और लेटेस्ट वेपन से लैस हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी पिछले 7 साल से ये सिक्योरिटी सर्विस ले रहे हैं और वो इंडिया के सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने Z+ सिक्योरिटी ली। हर महीने सिक्योरिटी के लिए 15 से 16 लाख रुपए फीस पे करी जाती है। अगला फैक्ट यह है कि 2017 में इस घर के 9th फ्लोर पर आग लग जाती है और कुछ ही मिनट के अंदर 6 फायर फाइटिंग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। लेकिन तब तक जो घर का स्टाफ था वो घर में मौजूद फायर फाइटिंग सिस्टम्स को यूज करके आग को बुझा देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस घर की सेफ्टी को नज़र में रखते हुए घर के अंदर हर फ्लोर पर हाईटेक फिक्स्ड फायर फाइटिंग का सिस्टम अवेलेबल है। चौथा फैक्ट यह है कि इस घर की कंस्ट्रक्शन की परमिशन मुंबई की BMC ने 2003 में दे दी थी और 3 साल लग गए थे इस घर को पूरी तरह डिज़ाइन करने में। फिर 2006 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और 2010 में जाकर कंप्लीट। लेकिन मुकेश अंबानी 2012 में इसमें शिफ्ट होते हैं, बोले तो एक घर को बनाने में 9 साल का समय लग गया। अगला फैक्ट यह है कि मैं ऑलरेडी आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि इस घर का हर फ्लोर यूनिक है, लेकिन एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि इस पूरे घर में हर जगह लोटस और सन का रेफरेंस दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? जब हमें एक घर बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक थीम होती है कि हमें इस प्रकार अपने घर को डिजाइन करना है और बनाना है। उसी प्रकार अंबानी फैमिली बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है। हिंदुइज्म में सूरज और कमल का फूल काफी इंपॉर्टेंस प्ले करता है। लोटस यानी कमल मानवता और दिव्य अमर होने का प्रतीक है और साथ ही कमल सूर्य और अग्नि देवता का गुण है और कमल का फूल बहुत से भगवानों से भी जुड़ा हुआ है। वहीं सूर्य को अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और पावर माना जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस घर में सूर्य और लोटस का इतना रेफरेंस क्यों दिया गया है। और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान और सर्वशक्तिशाली तो हैं ही, वो स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अंटीलिया के बनने के 2 साल बाद भी वो इस घर में नहीं शिफ्ट होते हैं ड्यू टू सम वास्तु प्रॉब्लम्स। तो ये थी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस सीरीज़ की पुरानी पहली 2 वीडियो भी ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लैंड के भरतपुर पैलेस बर्मिंघम पैलेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और बताऊं उस घर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या फिर अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे उसके लिए भी नीचे सजेशन दे सकते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।